ढे टीवी पर आप सुन रहे हैं न्यूज दिस आर प्रोग्राम और मैं हूं विवेक ओझा। मेघालय के मुख्यमंत्री ने गारो और खासी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। उन्होंने हाल ही में कहा है कि पूर्वोत्तर भारत की जनजातीय भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करना इस क्षेत्र के लोगों को मजबूत राष्ट्रवादी भावनाओं से जोड़ेगा। यह बातें उन्होंने भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की उपस्थिति में कहीं। दरअसल हाल ही में पश्चिमी असम के तुमुलपुर में बोडो साहित्य सभा का 61वां सत्र आयोजित किया गया था, जिसे मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने भी संबोधित किया। वर्तमान में पूर्वोत्तर भारत से जिन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की समय समय पर मांग उठ रही है, उनमें शामिल हैं लिम्बू भाषा सिक्किम, खासी भाषा मेघालय, कार्बी भाषा असम, मिजो अथवा लुसाई भाषा मिजोरम, कामतापुरी भाषा असम, कोक बोरोक भाषा त्रिपुरा और लेप्चा भाषा सिक्किम। मेघालय के सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि 8वीं अनुसूची में खासी और गारो भाषाओं को शामिल कराने के लिए मेघालय सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी और यह उसकी निर्जातीय पहचान का भी मामला है, यानी एथनिक आइडेंटिटी का भी मामला है। लगे हाथ आपको यह भी बता दें कि त्रिपुरा में रोमन स्क्रिप्ट फॉर कोक बोरोक चोबा नामक ट्राइबल बॉडी ने हाल ही में मांग की है कि उनके कोक बोरोक भाषा के लिए रोमन लिपि दी जाए, यानी रोमन स्क्रिप्ट दिया जाए। उनका कहना है कि देवनागरी लिपि को बाध्यकारी रूप से नहीं थोपा जा सकता। गौरतलब है कि वर्ष 1979 में कोक बोरोक को त्रिपुरा के एक आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया था और इस पर दो आयोग भी गठित किए गए थे, जिनकी सिफारिश थी कि रोमन स्क्रिप्ट ही कोक बोरोक भाषा के लिए हों। दरअसल यह मांग इसलिए आई है क्योंकि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को पूर्वोत्तर भारत में अनिवार्य बनाया जाएगा। अगर हम 8वीं अनुसूची में किसी भाषा को शामिल करने के फिक्स्ड क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो पिछले साल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया था कि 8वीं अनुसूची में किसी भाषा को शामिल करने का कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है और संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत किसी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कोई निर्धारित टाइम फ्रेम भी नहीं है, क्योंकि भाषाओं और बोलियों यानी डायलेक्ट्स का इवोल्यूशन एक डायनेमिक प्रक्रिया है और यह कई सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रमों और विकास से प्रभावित होती है, यानी सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट से इसे प्रभावित करते हैं, इसीलिए कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया कर पाना मुश्किल है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में स्पष्ट किया है कि इससे पहले भी पाहवा समिति ने 1996 में और सीताकांत महापात्रा कमेटी ने 2003 में फिक्स्ड क्राइटेरिया देने का प्रयास किया था, लेकिन वह इस संदर्भ में किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए थे। कोया जनजाति की गोंडी भाषा और कर्नाटक की तुलु भाषा समेत करीब 38 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की हाल के समय में मांग हो रही है। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि अंतिम दो कौन से वो लैंग्वेजेस थे जिन्हें 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था और उन्हें किस वर्ष इसमें शामिल किया गया था। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार।